आपको दिख रहा होगा, ये देखो गाइस, अब देखो कहाँ देखते हैं कहाँ जाता है, बिल्कुल काला कलर का है ये, मैं आपको जूम कर देता हूँ बिल्कुल, ये देखो गाइस सभी के खतरों में अच्छी खासी आग जली होगी। और इन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे भैंस का धुआं लगाते हैं वैसा कर दिया भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। इस पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज जाके बारिश बंद हुई है, मस्त धूप निकली हुई है और कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, वैसे बारिश वाला तो बना हुआ है। आज है गाइस 14 सितंबर और अब तक ये वीडियो कब आएगी ये मेरे को भी नहीं पता। इसका रीज़न ये है कि लगातार जो बारिश हुई थी ना उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे गांव की बिजली की लाइन थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, तो गांव पे लाइट है नहीं और कैमरे में भी बैटरी है नहीं, मैं बिल्कुल 15% बैटरी है उसी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा कैमरा तो ऑफ हो गया, अब जगह फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से गाइस आपको नदी का जल स्तर दिखाते हैं भाई, ये देख लो लदिया घाटी वाली नदी फुल आपको दिख रही होगी। अभी तो कम हो गया पानी, कल बहुत ज़्यादा हुआ था और ऐसा कुछ मौसम हो रखा है। योगी, मैं और डिग्गू बिल्कुल नदी के किनारे आ गए हैं, यहाँ पे ये देखने के लिए रास्ता है कि नहीं, यहाँ पहले रास्ता हुआ करता था। ओ भाई, अरे बाबा, ये क्या हो गया गाइस, यहाँ से हम लोग वहाँ जा रहे थे, अब तो बिल्कुल ही गैप हो गया इतना बड़ा सा भाई, अब यहाँ से हम लोग जा भी नहीं सकते हैं भाई। ये देखो वहाँ इतना हाल है और यहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है, तो पूरा गया, ख़त्म ही हो गया यहाँ से पूरा। नदी का जलस्तर देखो भाई क्या ही हो रखा है, और यहाँ पिछली बार की बारिश में ये पुल थी, पुल के वाले हिस्सा पूरा बह गया, इस बार यहाँ से हमने रास्ता बनाया था वो भी चले गया ख़त्म। गाइस यहाँ पे देखो पत्थर के बीचों बीच से पानी निकल रहा है बिल्कुल इस तरीके से, पिचकारी पत्थर पिचकारी ना, तो नहीं इसको वो, चलो बच्चों यहाँ गिर जाए, चलो घर चले। गाइस भाभी जी हॉस्पिटल गई हुई है, तो छोटी वाला उनका काम करा, देखो भाई घास काटने में लगे पड़े हैं यहाँ से, और योगी और डिग्गू भी गए हैं साथ में बकरियों को लेके। योगी यहाँ पर है, डिग्गू कहाँ गया, डिग्गू ये बैठा हुआ है। गाइस यहाँ पे इतना भयंकर वाला सांप देखा मैंने, देखो भाई मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, हमारा एक सांप देखी दिया, ये देखो गाइस इतना बड़ा सा सांप बिल्कुल काला कलर का है ये, मैं आपको जूम कर देता हूँ बिल्कुल, ये देखो गाइस। ताई जी को आवाज़ मारता, ताई जी वहाँ पर थी, ताई जी को बुलाने से पहले सांप भाग गया यहाँ से, उसने कहाँ किया, यहाँ पर था बिल्कुल यहाँ पर। आम आप ढूंढने की कोशिश कर रही है, अब आमा को मिलेगा नहीं वो। घास लेके आ गए सभी के सभी, सबसे आगे दादा, फिर चाचा, फिर कौन है भाई, फिर हमारे डिग्गू हैं, फिर योगी, ये देखो चाचा जी मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े, चाची का ना होने का फ़ायदा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये देखो, और मम्मी का ना होने का फ़ायदा, और कैसा लग रहा है बच्चे, मज़े आ रहे हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो गए। होशियार भैया और मैं भी घूम रहे खेतों पर, तो आप लोगों से 3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, तो बीच में गांव में लाइट थी नहीं तो थोड़ा सा मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया, इससे आगे आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके बाद शूट नहीं कर पाए। आज है गाइस 16 सितंबर और अभी हम लोग अपने खेतों में, ये पूरे सोयाबीन का खेत है, तो यहाँ से हम लोग गाइस ककड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं मिलेगी तो, बस सांप वाँप ना मिले ककड़ी का तो जो भी रहा। ये वाला खेत है गाइस होशियार भैया का, इसमें पूरी मिर्ची लगाई हुई है, यहाँ की मिर्ची के पौधे देखो पूरे सूख गए हैं, कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ पर हल्की हल्की मिर्ची आने लग गई है, इस तरीके से पकी नहीं है मतलब थोड़ी बहुत आ रही है, और ये वाला खेत अपना है यहाँ की, तो मिर्ची पूरी गायब ही हो गई, यहाँ पे पूरे तेल जम गए, मिर्ची पूरी गायब हो गई, और वहाँ पे जो हो रखी है मिर्ची की जो फसल लगाई ज़्यादा अच्छी हो नहीं रखी है, पूरे पौधे सूख जैसे गए हैं। अब यहाँ से हम लोग नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप ना मिले बस। ओ भाई जी खेत बहुत गीले हो रखे हैं, पूरा पैर धंस रहा है नीचे। ककड़ी की झील तो काफ़ी बड़ी हो रखी है, इसमें से एक नई ककड़ी तो मिल ही जाएगी, देखते हैं होशियारों को मिली क्या कोई। अबे इतनी छोटी सी ककड़ी, शर्म नहीं आ रही है, ये ककड़ी थोड़ी ना भाई, ये तो कड़वी वाली है गाइस, इसको बोलते हैं हमें लोकल लैंग्वेज में एराव बोलते हैं, ये काफ़ी कड़वा होता है, इसे नहीं खा सकते भाई। ओह पैर फिसल गया, इसमें ककड़ी कैसे मिलेगी भाई, काफ़ी तगड़ी वाली झील हो रखी है यहाँ हमको, इतनी छोटी छोटी ककड़ियाँ मिल रही हैं, देखो भाई इतनी छोटी सी हो रखी है ये, बिल्कुल एक छोटी सी ये है,
ऐसी करके एक यहाँ पे हो रही है और एक कहीं आगे हो रही है, तो बड़ी तो कहीं मिल नहीं रही है, एक यहाँ पर हो रही है। कैसे मिलेगी? बड़ी तो होंगी यहाँ पर, अभी कहाँ होगी भाई, साफ वाफ ना मिले यहाँ पे। एक ककड़ी है छोटी छोटी, बड़ी दिखावे छोटी रहने दे। इस वाली वेल में हमको एक भी ककड़ी नहीं मिली। अभी हम लोग जाएंगे दूसरी वेल पे, क्योंकि वहाँ पर है केले के पेड़ के पास, वहाँ देखते हैं। और ये भाई मिर्ची भी होने लग गई है, जो पौधे अच्छे हो रखे हैं ना उनमें काफ़ी अच्छी मिर्ची लगी हुई है। ये देखो आपको दिख रही होगी बड़ी हरी वाली, तो उस टाइम में पक जाएगी, फिर इसको तोड़ने का काम चलेगा। और जहाँ पर नहीं हो रखी है तो ख़त्म ही है पूरी। तो चुरा के ले आए मिर्ची, खाने वाली मिर्ची है भाई। हाँ चोर आदमी है यार। तो इस वाली बेल में देखते हैं, बेल तो काफ़ी छोटी है, इसमें तो ककड़ी की उम्मीद भी नहीं है मेरे को भाई। सांप ना मिले, फूल तो मिले, एक फूल यहाँ पर है, एक छोटी ककड़ी यहाँ पर लगी हुई है। ये बड़ी कहाँ है भाई, दिखा दो कहीं है। अब गांव में घास सुखाने वाला काम भी चालू हो जाएगा, क्योंकि अब असवस का महीना आने वाला है। और इस महीने क्या करते हैं, सभी लोग अपनी घास सुखाते हैं, तो उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ से मम्मी ने कुछ घास सुखा दी, देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी इस तरीके से। तो इसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद इसको स्टोर कर देते हैं, जिससे कि इसको जाड़ों के टाइम पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से पूरी सुखा दी है घास, तो यहाँ पर देखो गाइस पूरी घास हुआ करती थी, ये सब सूख रही है। जब ये सूख जाएगी तो इसको बांधेंगे और बांध के इसको इकट्ठा कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे गाइस ये रहा बेलपत्री का पेड़, जो कि हमने हरेले के दिन लगाया था, किच्छा से ताऊजी ने भेजा हुआ भाई। यहाँ पे छिपकली भी है भाई, ये देखो क्रिकेट भाई भाई, ये देखो गाइस यहाँ से लेकर इतना बड़ा हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, हम चारों तरफ से कवर कर देंगे, जिससे कि जिस टाइम पर यहाँ खेत खाली होंगे ना, तो जानवर आएंगे चरने के लिए, इसको बचा देंगे। गाइस होशियार भैया और मैं करेंगे यहाँ सफाई वाला काम। तो ये रहा पंचायत घर, इसकी यहाँ सफाई हो गई, खाली बैठे हैं तो रोज़गार मिलेगा हमको। तो गाइस पूरा इस तरीके से हो रखा है, इसको हम पूरा प्लेन करेंगे, पूरा साफ करेंगे। इसके होशियार को 20 रुपये मिलेंगे साफ करने के। दिन के हो गए गाइस 11, ताऊ जी मैं और योगी जा रहे हैं जंगल अपने जानों को छोड़ने के लिए। तो अभी इनको हम लोग दूर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में नदी आ गई है ना, तो उसका जलस्तर ज़्यादा हो गया। हम लोग इनको इस साइड लेके जाएंगे। और योगी देखो भाई क्या पहन लिया इसने आज, देखे ली कौन सा गाना कर रहा है, कोटे का बट है ना, एक पहाड़ी गाना है, एक गाने की लाइन थी, क्या था योगी, कोटे का बट है ना, फिर कोट में नहान बट है ना, इसने सारे बटन निकाल लिए भाई जेब में, दिखाइयो ये इधर हाथ में आ गया, इसने नकली बटन लगा दिया, जुगाड़ी आदमी है यार तो बहुत बड़ा वाला। चल फिर ऐसी इतनी गंदी वाली धूप लग रही है ना, इसका हम अनुमान भी लगा सकते हैं। बरसात की बात होती है, सड़ी वाली गर्मी होती है, बिल्कुल हालत खराब हो रही है। क्या कहना चाह रहा है, आज खजूर का, आज खजूर का है। क्या करेगा तू आज, ककड़ी को पहले आग जलाऊंगा। आग जलाएगा फिर क्या करेगा, कहीं जगह। अच्छा फिर उसे ककड़ी काटूंगा। अच्छा उसको डालूंगा। हाँ और फिर उसको खाएंगे। बहुत बढ़िया। गाइस जो उत्तराखंड है ना, वो दो रीजन में बटा हुआ है, एक गढ़वाल रीजन एक कुमाऊं रीजन। तो ये जो त्यौहार होता है ये गढ़वाल रीजन में नहीं मनाया जाता है, ये कुमाऊं रीजन में ही मनाया जाता है। तो इसको हम लोग खतरुका के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन क्या होता है कि जानवरों को बहुत सारी घास दी जाती है शाम को, और साथ में ककड़ी वकड़ी काटी जाती है, वो आपको आगे वो देखने को मिलेगा। उसी की आज के भी बात कर रहा है ये, जो खुशी है ककड़ी खाने की है ना, मज़े आ रहे हैं कि आज के दिन के लिए कितने टाइम से इंतजार कर रहा है कि कब खदड़ को आएगा, कब ककड़ी खाऊंगा। एक सीन पकड़ूंगा ना। हाँ। और एक कुर्जे का लट्ठा पकड़ूंगा, सीने का लट्ठा। अच्छा और आग जलाऊंगा एक चूल्हे। हाँ। उससे मारूंगा। जिनको ये मारने की बात कर रहा है ना, वो एक कीड़ा होता है, इसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में कठकीड़ बोलते हैं। वैसे पता नहीं क्या, मैं उसकी फोटो लगा दूंगा अगर मिलेगी तो मेरे को, बिल्कुल बाल बाल वाला होता है ना, अगर वो किसी भी इंसान के शरीर में टच हो जाएगा तो खुजली होती है, उसको भगाने की बात कर रहा है। जैसा योगी करेगा वैसा करने से इसके घर में वो वाला कीड़ा नहीं आएगा, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ सेलिब्रेट करना होता है, तो अलग अलग रीजन के अलग अलग त्यौहार होते हैं गाइस। तो एक छोटा सा ही त्यौहार है ये, भाग भाग जा बोलते हैं ना। हाँ। चल फिर देखो भाई, इतनी तेज वाली हो रही, इतनी गंदी वाली, बाप रे बहुत ही गंदी रूप रही है। हाँ भाई रास्ता ख़राब हुआ था, ये डिग्गू और पापा मिलके बना के गए, एक यहाँ पे ख़राब हुआ था तो यहाँ पे रास्ता बन गया, और एक हुआ था गाइस यहाँ पे जहाँ पे बकरियाँ पहुँच गई ना वहाँ पे, और एक आगे, तीन जगह रास्ता ख़राब हुआ था। और इस वाली जगह पिछली बार हो रखा था बारिश में, इस बार नहीं हुआ। चलो 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 भैया चलो, रोड के बाद तो ऐसे हाल हो गए यहाँ के, देखो पूरी जमीन नीचे चली गई है, ऐसा लग रहा है भयंकर सा लैंडस्लाइड हो रखा है। सब रोड की देन है भाई, जितना आपको टूटा फूटा दिख रहा है सब रोड की देन है। चलो गाइस ये छोटी सी बच्ची ताऊ जी को मार रही है पीछे से। एक गाइस यहाँ पे बेकार हो रखा था पूरा, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है वहाँ से पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे रास्ते की ज़रूरत तो है नहीं, जानवर चले ही जाएंगे। चलो भैया जितने भी सैतानी वाले काम होते हैं उनमें योगी फर्स्ट रहता है। इसने देखो भाई क्या किया यहाँ पे, जुगाड़ बना के
वाटरफॉल बना दिया। कह रहा है कि नीचे से बाइक ले गया ना, बाइक दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, इसने चीड़ की लकड़ी पकड़ी, नहीं चीड़ की नहीं है यार, किसी और चीज़ की है, नहीं चीड़ की है, दूर से चीड़ की लगनी थी। यहाँ से पानी जा रहा है, वहाँ से बिल्कुल झरना बन गया नीचे जाने के लिए, सीधे रोड में आ रहा पानी। वाह गाइस, हमको रास्ते में सांप मिला, मैं ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ। जा यहाँ खुटा माल पहुँच गया कहन के। ओ भाई भाई, पहले वीडियो बनाना ज़रूरी है। ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा, ये देखो गाइस, अब देखो कहाँ देखते हैं कहाँ जाता है। देखो बिल्कुल मस्त करके धूप में बैठा हुआ है। कहाँ से बाहर चले जाओ, हम चले जाते, वो अंदर को घुसा है। यहाँ तनाव पछा तनाव मान लिया ना, चल कुछ देखना तुम्हें भाई, हिट रहे चल, फिर मल्लिंग दौड़ लगे। अरे जाते रहो ना, तू भी जा। ओ मुड़ दिखा रहा यार, ओ भयंकर, बहुत पूरा अंदर गया भाई, बहुत बड़ा सा समुद्र भाई। कभी भरना को भरना को भरना को बाहर को निकल रहा है यार, हट सुलकुटे सुलकुटे। देखता हूँ जी ने भाई अंदर भगा दिया पूरा, तो हो गया भाई डंडा, तो अंदर चले गया। अरे यार योगी इतना शैतान ना, क्या ही बोले डंडा। आजकल सांप बड़े दिख रहे हैं, तो कैसे आपने इस वीडियो में दो सांप देख लिए होंगे, क्योंकि एक सांप मैंने दो दिन पहले देखा, उस दिन वीडियो बनाई थी मैंने, आज तो बिल्कुल सामने से देख लिया भाई। ले ले अब बजबे रहे या जने दिन में। अभी करेंगे कैसे हम लोग शाम की तैयारी, तो हम लोग कैसे यहाँ पे आग चलाएंगे। तो होता है क्या, जहाँ पे ना तीन रास्ते होते हैं, तिराहे टाइप होता है ना, जैसे एक रास्ता इधर को आ गया, एक नीचे को, एक यहाँ पे चले गया, तो तिराहे पे ही आग जलाई जाती है। गाइस दो टाइप की लकड़ियाँ रहती हैं, एक तो रहती है गाइस कुर्जे की, जो कि इस तरीके से रहती हैं, और एक रहती बिच्छू घास की। ये देखो भाई इस तरीके से कुर्जा होता है कुछ, योगी लगा पड़ा है मेहनत में, बहुत होगी भाई, बस एक लकड़ी मेरे लिए बना देना। योगी अब खोजबीन में निकल गया है बिच्छू घास की, तो इसको अच्छी वाली बिच्छू घास चाहिए, जो बिल्कुल डंडे टाइप की होगी, यानी कि जो बड़ी वाली बिच्छू घास होती है ना। वैसे बिच्छू घास तो गाइस ये वाली भी है छोटी वाली, पर इसमें लंबे लंबे डंडे नहीं हो रहे हैं, तो योगी से लंबे डंडे ढूंढेगा जैसे उसके हाथ में है। जो ये फाइल वाला काम कर रहे हैं वो किसी भी कोटक महिंद्रा का सेंटर। गाइस शाम के 7 बज रहे हैं और आपको आवाज आ रही है पीछे से भाज कतुर का भाज, तो इसी का योगी सुबह से इंतजार कर रहा था, इस तरीके से भगाना पड़ता है भाई। ये देखो मैंने बता दिया इसके बारे में आपको, तो इसने छिलका पकड़ कर रखा है, ये हो गया, ये डंडे होते हैं गाइस, ऐसे मारना होता है। चल भाई स्टार्ट, बोलो बोलो भाज कतुर का भाज, भाग गया भाई गाइस, बस ऐसे अंदर का हमने भगा दिया भाई, ज्यादा डिग्गू ने भगाया यहां, जिस हिसाब से डिग्गू चिल्ला रहा ना, खतरुआ पूरे इलाके में नहीं आएगा, घर में तो दूर की बात। कहां गया भाज कतुर का भाज, भाज कतुर का भाज, कतुर का भाज, भाज भाज कतुर का भाज, क्या कर दिया भाई तूने, तेरा खतरुआ कहां का जीत खतुड़के की हार, भाज कतुड़का भाग, भाग गया भाई, आले भाज कतुड़का भाग गया भाई, खतुड़का बस हो गया। अब गाय यहाँ पे हम आग जलाएंगे, तो ये लेके आ गया भाई जलाने वाला मेटेरियल, ले भाई ये भी छिलका है। गाइस अब बारी है ककड़ी काटने की, तो ये हमारी ककड़ी है, ओ एक आ रहा है खदुड़ के, हम गाइस ककड़ी आग में जलाएंगे भाई, ज्यादा डाल सब भाई, देखो शॉर्ट में ले आएगा, आधी ककड़ी लेके आ रहे हैं, एक पूरी लाया, ये पूरी लेके आया, बस हो गया, बड़े गरीब लोग हैं यार, तुम गरीब लोग हो। आग हमने जला दिया, अम्मा से ककड़ी खाते हैं, अब तक आग हमारी चल जाएगी, उसके बाद हम लोग घर को जाएंगे, ककड़ी हमको यही खत्म करनी है, उसके बाद हम घर को जाएंगे। भाई क्या मजा आ रहा है नमक के साथ, हरी ककड़ी नमक के साथ खाने अलग ही मजा है, और नमक इतना वो कर रहा है पूरा भाई, हाथ से रिस रहा है पूरा भाई, और धुआं भी आंखों में जा रहा है भाई, ये बाद में मूड पे आ रहा। वैसे एक बात बताऊं, सभी के खतरे में गए, अच्छी खासी आग जली होगी, और इन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे भैंस का धुआं लगाते हैं वैसा कर दिया भाई, भाई सच में भाई, गेहूं का नल लेके आ रखे हैं, वो भी गीला वाला भाई, ऐसा तो भैंस के लिए जलाते हैं, ये खतर का तुम्हारा गाइस, वो तो अच्छा भाई मेरी लाइट अच्छी है, धुआं दिख जा रहा है, वरना कुछ भी नहीं दिखता, ककड़ी एंड कर दी, पर भाई आग नहीं जल पाई, और अभी भी फूक रहा है ये कल फूकने में है।
ये हंसने में ही है।